हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैम्मास किचन। वंस अगेन आज मैं आप लोगों के साथ समर कूल नींबू पानी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये नींबू पानी बनाने के लिए मैं मटके का पानी इस्तेमाल करूँगी, फ्रिज का नहीं। मटके का ठंडा पानी ज़्यादा हेल्दी होता है। इसे पीने से गर्मी में या सीजन चेंज के टाइम पे सर्दी जुकाम, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस ये सब नहीं होता है। मटके का पानी से मिट्टी का एक बहुत अच्छा नेचुरल खुशबू आता है, जिसे करके ये पानी का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये नींबू पानी बनाने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मिश्री से बनाऊंगी। मटका को खरीदने के बाद इसे कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो लेट्स मूव टू माय मास किचन टू प्रिपेयर सामान फुल नींबू पानी। ये छोटा सा मटका जो मिट्टी से बना है वो मैंने बाजार से खरीद के लाई हूँ। ये लोकल मार्केट से खरीदे हैं, आप चाहे तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा या ज़्यादा बड़ा भी मार्केट में मिल जाता है। इसमें करीब 5 ग्लास पानी आ जाता है। इसे यूज़ करने से पहले इसमें पानी डाल करके ओवरनाइट भिगो के रखना पड़ता है। ये देखिए, मैंने इसमें टैप वाटर डाला है, बिल्कुल भर के डालेंगे। अब हम इसे टेबल पर रख देंगे। इसका लीड को भी हम एक बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ऐसे भिगो लेंगे। आप टेबल के ऊपर एक स्टील का बोल रखेंगे और उसके ऊपर ये पॉट रखेंगे, ये देखिए इस तरह, और ये ढक्कन से ढक देंगे इस तरह। अब इसे हम ओवरनाइट ऐसे ही रख देंगे। दोस्तों, मटके का पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा हेल्दी होता है। गर्मी में या सीजन चेंज के वक्त पर अगर इसी का ठंडा पानी पिया जाए तो जुकाम वगैरह नहीं होता है। 10-12 घंटे बाद मटका को छूने में ही बहुत ठंडक महसूस होगा। अब इस पानी को हम गिरा देंगे। ये देखिए, हम पानी को गिरा दिया है और टैप वाटर से इसे अच्छी तरह रगड़ रगड़ के हम साफ करेंगे। इसमें कोई डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, इसे सिर्फ पानी से ही अच्छी तरह साफ कर लेंगे। ये देखिए, इसे वापस रख देंगे और इसमें पीने का पानी ऐड करेंगे। तो पीने का पानी हमने रख दिए हैं, इसे अब ढक देंगे। बस अब 2-3 घंटे में ये ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मटके का पानी का एक अलग ही खुशबू होता है और इसे पीने से एक फ्रेश फीलिंग आता है। तो इस तरह आप अर्दन पॉट में पानी स्टोर कर सकते हैं, इसे पी सकते हैं और इससे अपना फेवरेट बेवरेज भी बना करके तैयार कर सकते हैं। आज हम इस पानी से एक समर कूल नींबू पानी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 1/3 ग्लास पानी लेंगे और इसमें ये देखिए एक मिश्री का चंक डाल देंगे, ये करीब 50 ग्राम है। 1 ग्लास नींबू पानी के लिए 50 ग्राम मिश्री काफ़ी होता है। और इसके साथ हम पानी में 1 छोटी चम्मच सौंफ भी ऐड कर देंगे। सौंफ को ऐड करने से पहले इसे इस तरह हथेली में तोड़ लेंगे। आप ओखली में थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं। इसे ग्लास में डाल दें। अब हम इस ग्लास को करीब 1 घंटा के लिए ढक करके रख देंगे। 1 घंटा में मिश्री मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, करीब 1 घंटा में मिश्री मेल्ट हो जाता है। आपको थोड़ा कम या ज़्यादा समय के लिए भी रखना पड़ सकता है। अब नींबू पानी बनाने के लिए हमको नींबू तो चाहिए ही होगा, और नींबू जब खरीदेंगे तब ध्यान रखें कि ऐसे पीला रंग का नींबू ही खरीदें। पीला रंग का नींबू जो है वो पक्का होता है, इसमें जूस ज़्यादा होता है और इसका स्वादिष्ट भी बेहतर होता है। इसे निचोड़ना भी आसान होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। 1 घंटा बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और चम्मच से इसे एक बार स्टियर कर देंगे और ये देखिए, मिश्री पूरी तरह मेल्ट हो गया है। ये देखिए, मिश्री पानी में घोल चुका है। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। ये एक छोटा नींबू है, इसका पूरा ही हम इस ग्लास में निचोड़ देंगे। अगर नींबू का साइज़ बड़ा हो तो 1 ग्लास के लिए 1/2 नींबू का जूस ही ऐड करें। देखिए, हम नींबू का दोनों हिस्सा ही इसमें निचोड़ देंगे। चम्मच से एक बार स्टेयर कर देंगे। अब हम ग्लास में 1/4 छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक नींबू पानी का स्वाद को बैलेंस करता है। और इसके साथ हम 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड कर देंगे।
काला नमक और जीरा पाउडर के साथ नींबू पानी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दूसरा ग्लास ले आएंगे, नींबू पानी को एक बार मिक्स कर देंगे। ग्लास के ऊपर एक छन्नी रख के इसे रेडी रखेंगे। अब इस नींबू पानी मिक्सचर को हम दूसरा ग्लास में छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने आधा ग्लास नींबू पानी तैयार किए हैं। ये ज़्यादा मीठा है। अब हम इसमें बाकी आधा ग्लास मटके का ठंडा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब ये नींबू पानी का टेम्परेचर और मिठास दोनों ही बैलेंस हो गया है। एक बार चम्मच से स्टर कर दें और ग्लास को एक स्लाइस नींबू से गार्निश कर दें। तो दोस्तों, ये ठंडा ठंडा हेल्दी और स्वादिष्ट नींबू पानी बन करके तैयार हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।